मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जॉर्ज हर्बर्ट मीट जॉर्ज हर्बर्ट मीट जो है वो एक सिंबॉलिक इंटरैक्शनज थिंकर हैं एक माइक्रो थिंकर हैं एंड इस वीडियो में हम उनके लाइफ एंड इन्फ्लुएंसेस के बारे में देखेंगे शिकागो स्कूल ऑफ थॉट बिकॉज ही वॉज रिलेटेड टू शिकागो स्कूल सो उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे देन उनका जो सिम्बोलिक इंटरेक्शनिज्म थ्योरी है वो भी हम थोड़ा देखेंगे एंड जॉर्ज हर्बर्ट मीड की अगर बात की जाए तो वो 1863 में उनका बर्थ हुआ एंड ही डाइड इन 1931 सो so, ये जो डेट्स हैं ये एज यू ऑल नो आप लोगों को रिमेम्बर रखनी है अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हो भले ही वो आर का एग्जाम हो असिस्टेंट प्रोफेसर का या फिर आप नेट दे रहे हैं जे का एग्जाम दे रहे हैं तो ये डेट्स आपको इम्पोर्टेंट uh, है एंड आपको याद रखना है नाउ अब तक हमने uh, जो भी सोशोलॉजी में थिंकर्स देखे या जो अभी तक हमने किए हैं वीडियोस में तो दे वर लार्जली फोकसिंग ऑन यूरोप सो वो यूरोप से रिलेटेड थे एंड उनको हम क्लासिकल थिंकर्स भी बोलते हैं लाइक like मार्क्स है, मैक्स वेबर है माइल्डर खाइम है एंड वो एक मैक्रो सोशोलॉजी की बात करते हैं एंड दे मैक्रो सोशोलॉजिस्ट मैक्रो मीन्स टॉकिंग अबाउट लार्ज स्केल क्वेश्चन लाइक कैपिटलिज्म की बात हो रही है रोल ऑफ स्टेट रोल ऑफ सोसाइटी तो मैक्रो सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीन्स एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन जैसे कार्लमार्क्स बात करते हैं एंड लार्ज स्केल सोशल प्रोसेस तो जो फोकस रहा स्टार्टिंग में वो क्या था यूरोप था एंड माइक्रो सोशोलॉजी वॉज द मेन फोकस बट माइक्रो सोशोलॉजी की अगर बात की जाए तो माइक्रो सोशोलॉजी कहाँ पर डेवलप हुआ येस इट एमर्ज इन यू एस ए डूरिंग अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी सो ट्वेंटीएथ सेंचुरी के आसपास अर्ली ट्वेंटीएथ सेंचुरी और लेट नाइन्टीन सेंचुरी में ये uh, जो माइक्रो सोशोलॉजी का जो पर्स्पेक्टिव है वो अमेरिका में डेवलप हुआ द एंटायर फोकस वॉज द डायनमिक्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन और हाउ पीपल इन ग्रुप्स इंटरेक्ट विद ईच अदर तो माइक्रो सोशोलॉजी का फोकस क्या था कि हाउ ह्यूमन बींग्स और हाउ पीपल दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर जो ह्यूमन इंटरेक्शन है माइक्रो लेवल परस्पेक्टिव मीन्स आप माइक्रो uh, लेवल की बात कर रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग्स का जो पर्सपेक्टिव है या ह्यूमन बींग्स का जो इंटरेक्शन है उसकी बात कर रहे हैं इसमें आप यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट सोसाइटी एज अ लार्ज बट यू आर फोकसिंग ऑन ह्यूमन इंटरेक्शन दैट इज़ फेस टू फेस इंटरेक्शन हाउ पीपल आर इंटरेक्टिंग इन ग्रुप्स तो इस चीज़ पर फोकस था हाउ द सेल्फ इज कंस्ट्रक्टेड एंड हाउ पीपल डेवलप देअर सेल्फ आइडेंटिटी सेल्फ क्या है वो हम आगे देखेंगे मीट बात करते हैं सेल्फ की एंड यहाँ पर बात आती है कि इज इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंट और इज सोसाइटी इम्पॉर्टेंट सो जो माइक्रो सोशलॉजी थी वो बेसिकली इट वॉज रिवॉल्विंग अराउंड माइक्रो सोशल स्ट्रक्चर्स नाउ आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है माइक्रो एंड माइक्रो ऐसा कोई बहुत बड़ा मतलब वो नहीं है तो आप लोगों को ईजीली सबको पता ही है माइक्रो सोशलॉजी क्या है माइक्रो सोशलॉजी क्या है माइक्रो सोशलॉजी में हम इंडिविजुअल इंटरेक्शन पर फोकस करते हैं एंड माइक्रो सोशोलॉजी में हम किस पे फोकस करते हैं लार्ज स्केल सोशल स्ट्रक्चर एंड सोसाइटी एज अ होल ओके okay. सो so, uh, इस तरह से माइक्रो एंड माइक्रो सोशोलॉजीज हैं माइक्रो सोशोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ पीपल एट अ मोर इंटरपर्सनल लेवल और एज इन फेस टू फेस इंटरैक्शन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग एक्शन एंड इंटरक्शन हाउ थिंग्स वर्क एट वन ऑन वन लेवल दे स्टडी सोसाइटी एट इट्स स्मॉलेस्ट देखिए जो सारे नोट्स हैं ये मोस्टली इग्नू से लिए गए हैं ये ग्यन कोश करके एक वेबसाइट है वहाँ से आप ये नोट्स वगैरह ले सकते हैं एंड प्लस मैंने खुद के कुछ नोट्स डाले हैं और इधर उधर से रिसर्च करके काफी बुक्स से मैंने ये एक मटेरियल प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए सो so, माइक्रोसोशलॉजी uh, में बेसिकली uh, क्या इम्पोर्टेंट होता है एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल आर इम्पोर्टेंट एंड कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दीज एक्शंस तो क्या कंटेक्सट है वो पर्टिकुलर बिहेवियर के पीछे क्या रीज़न है तो इस चीज़ पर हम फोकस करते हैं अगर हम थियोरीज़ देखें तो सिम्बोलिक इंट्रैक्शनिज्म है एथनो एथिनोमेथडोलॉजी है फिनोमिनोलॉजी है एक्सचेंज थियरी दे आर बेसिकली रिगार्डेड एज माइक्रो सोशोलॉजिकल थियोरीज वेयर जैसे मार्क्सिज्म की बात की जाए या फंक्शनलिज्म है स्ट्रक्चरलिज्म है तो ये क्या है एक माइक्रोसोशोलॉजिकल थियोरीज़ हैं इन पर हम मैक्रो लेवल पर बात कर रहे हैं सोसाइटी को एज अ होल हम देख रहे हैं आप एंड इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि बात ही नहीं हो रही है इंडिविजुअल की बट जो हमारा प्राइम फोकस है वो क्या है लार्ज स्केल सोशल स्ट्रक्चर्स एंड सोसाइटी सो ऐसा नहीं है कि माइक्रो एंड मैक्रो सोशोलॉजी जो है दे आर कॉन्ट्राडिक्ट्री नहीं वो कॉन्ट्राडिक्ट्री नहीं है है ना क्योंकि मार्क्स अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो एलियनेशन की बात करते हैं एलियनेशन एक प पर्सनल प्रॉब्लम है देन डरखाइन जो है वो एनोमी की बात कर रहे हैं विच इज़ अगेन अ पर्सनल प्रॉब्लम वेबर जो है वो एस्ट्रेंजमेंट की बात करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में कैसे जो ह्यूमन बींग है वो एस्ट्रेंज हो जाता है एलियनेटिड हो जाता है किस तरह से तो वो एक पर्सनल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं बट जो फोकस हमेशा इनका रहा वो क्या फोकस रहा

जो फोकस रखते हैं वो मैक्रो स्ट्रक्चर्स पे ही रखते हैं वो क्या बोलते हैं कि जो आ, जो भी इंडिविजुअल्स uh, या आ, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं एलिनेशन, इट इज़ लार्जली अ पार्ट ऑफ लार्जर सोशल स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रक्चर्स आर कंस्ट्रेनिंग द इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल का एज इन कोई से नहीं था इनकी थियोरीज में सो so, uh, जो माइक्रो सोशोलॉजिस्ट uh, है वो प्राइमरिली किसकी बात कर रहे हैं इंडिविजुअल बिहेवियर लैंग्वेज कम्युनिकेशन जेस्चर्स सो इन सब की बातें हो रही है नो माइक्रोसोशलॉजिस्ट वर इंटरेस्टेड इन द इंटरैक्शन जो इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड ऐसा नहीं है कि दे कंप्लीटली इग्नोर्ड द सोसाइटी बिकॉज अगर हम जॉर्ज हर्बर्ट मीट की बात करें तो उनकी बुक है माइंड सेल्फ इन सोसाइटी सो उसमें ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली इंडिविजुअल इंटरेक्शन को देख रहे हैं वो सोसाइटी की भी बात कर रहे हैं बट वो क्या बोल रहे हैं कि दे

सिम्बलिक इंटरेक्शन मतलब आप सिंबल्स के थ्रू इंटरेक्शन कर रहे हो अगर हम जनरल वर्ड uh, का मीनिंग देखें तो आप सिंबल के थ्रू इंटरेक्शन कर रहे हैं इंटरेक्शन थ्रू सिंबल्स फॉर एग्जांपल ट्रैफिक सिग्नल्स हो गया रोड साइंस हो गया अगर हम हाईवे पे जा रहे हैं और हमारे सामने कोई स्कूल uh, का बोर्ड आता है है ना तो हम क्या करेंगे स्कूल का बोर्ड आया कि uh, आगे स्कूल है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई खड़ा है और हमें uh, इशारा कर रहा है कि आगे स्कूल है आप अपनी कार की स्पीड स्लो करो बट वो जो साइन बोर्ड दिखा रोड के साइड में

ठीक है, सेवरल मीनिंग्स अटैच टू वन पर्टिकुलर थिंग जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब कोई पर्टिकुलर कलर है लाइक रेड कलर सो इंडिया में रेड कलर को शुभ मान रहे हैं है ना या yeah, हिंदुजम में रेड कलर को बहुत शुभ मानते हैं एंड अगर हम इस्लाम uh, में बात करें तो ग्रीन कलर को शुभ मानते हैं वाइट कलर हमारे लिए बहुत लाइक like, वीडो uh, uh, video, जो वीडोज है वो वाइट कलर को वेयर करेंगी बट अमेरिका में अगर मैरिज हो रही है तो वाइट कलर वो प्रेफर करेंगे सो सेवरल मीनिंग्स अटैच टू वन पर्टिकुलर थिंग बट आप वो चीज़ कब समझोगे जब आपका स्टोक ऑफ नॉलेज दैट इज द शेयर्ड और लिव्ड रियलिटी या एक्सपीरियंस विच इज़ कॉमन बिटवीन पीपल अगर वो हमारा सिमिलर है तो हम चीजें समझ जाएंगे है ना वो हमें कल्चर शॉक क्यों लगता है कल्चर शॉक क्यों लगता है क्योंकि जो स्टॉक ऑफ नॉलेज है या जो आ, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो सिमिलर नहीं है तो आपको कल्चर शॉक लगेगा है ना सो दिस इज़ इस तरह की बातें होंगी माइक्रोसोशोलॉजी में एंड फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम इसका एक और एग्जाम्पल देखें कि सेवरल मीनिंग्स अटैच टू अ पर्टिकुलर थिंग सो फॉर एग्जाम्पल अ ट्री कैन बी अ सिम्बल ऑफ लवली चाइल्ड हुड मेमोरी फॉर एग्जाम्पल एक ट्री है सो so, अगर एक पर्सन है और वो बचपन में बहुत उस पेड़ के नीचे खेला है एंड ऑल सो so, उसके लिए अगर कोई भी ट्री होगा तो उसको यही याद रहेगा कि यार हम बचपन में खेलते थे पेड़ों के नीचे बैठते थे है ना सो इट कैन बी अ सिंबल ऑफ लवली चाइल्डहुड मेमोरी बट ऑन द अदर हैंड इट कैन बी अ सिंबल ऑफ फियर फॉर अदर बिकॉज हो सकता है कि कोई छोटा बच्चा है जिसको uh, हो सकता है उसने देखा है कि, कि किसी स्नेक ने काट लिया है ना पेड़ के नीचे किसी बंदे को स्नेक ने काट लिया और उसने वो देख लिया तो उसके लिए एक मतलब हमेशा वो जब भी पेड़ को देखेगा उसके मन में एक डर बना रहेगा कि यहाँ पे सांप हो सकता है है ना सो द मीनिंग मीनिंग क्या होता है कंटेक्चुअल होता है प्लस इट डिपेंड्स ऑन आर स्टॉक ऑफ नॉलेज ठीक है सो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी है सो दीज मीनिंग्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू सोशलाइजेशन अब जो मीनिंग्स हैं वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं थ्रू सोशलाइजेशन ऐसा नहीं है कि वी आर बोर्न इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग या एज अ पर्टिकुलर ह्यूमन बींग बट इट डेवलप्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थ्रू सोशलाइजेशन सो जो मीनिंग्स है वो कैसे हम सीखते हैं थ्रू सोशलाइजेशन फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमारे रिचुअल्स हैं लाइक मेरी दादी है नानी है अगर वो कोई श्राद्ध जैसे श्राद्ध होते हैं सो so, एक ये रिचुअल है सो so, अगर वो इस तरह का कोई रिचुअल कर रहे हैं देन वो हमें सिखा देते हैं कि हाँ आपको ऐसा करना है ऐसा करना है तो फर्दर uh, uh, वो हम ट्रांसमिट कर देते हैं अपने बच्चों को है ना सो दीज रिचुअल्स लाइक जो पूजा पाठ करते हैं हम अपने घरों में तो वो हम अपने बड़ों से ही सीखते हैं सो दीज मीनिंग्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू सोशलाइजेशन सो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है देन अब अगर इसका एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं स्टॉक ऑफ नॉलेज का कि माइक्रोसोशलॉजी ऑल्सो टॉक्स अबाउट स्टॉक ऑफ नॉलेज स्टॉक ऑफ नॉलेज क्या है शेयर्ड लिव्ड रियालिटी और एक्सपीरियंस कॉमन ज है वो डिफरेंट है आपको इस वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता तो आप कैसे समझेंगे मैं क्या बोल रही हूं बट इफ द अदर पर्सन नो स्पेनिश बिकॉज द वर्ड इज स्पेनिश अगर आप लोगों को स्पैनिश आता है तो यू कैन ईजीली इंटरप्रेट दिस वोकल जेस्चर एंड अंडरस्टैंड इज मीनिंग एज आई एम स्टिंग लाइक एस्तोई एस्तुदिया मीनस आई एम स्टिंग सो इट बिकम्स अ सिग्निफिकेंट जैस्चर ये मीड आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंट एंड नॉन सिग्निफिकेंट जेस्टर की बट इट्स एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक ऑफ नॉलेज कि अगर आपके स्टॉक ऑफ नॉलेज में वो चीज है एंड आपने एक्सपीरियंस की है तो आप इजिली इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको उस चीज़ की समझ ही नहीं है और आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की तो हम वो चीज़ समझ ही नहीं सकते हैं लाइक like, एस्तो एस्तो ध्यान दो अपने नहीं समझ सकते थे अनटिल एंड अनलेस आपको स्पेनिश आती है सो so, इंटरेक्शन uh, किस चीज़ से डिराइव होता है थ्रू कॉमन स्टॉक ऑफ नॉलेज सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट uh, थे माइक्रोसोशलॉजी uh, के सो दीज आर इम्पॉर्टेंट वन वी टॉक ऑफ माइक्रोसोशलॉजी लाइक हम माइक्रोसोशलॉजी में लैंगवेज की बात करते हैं जेशचर की बात करते हैं जेशचर भी बहुत तरह के होंगे वर्बल जेशच्चर हो गया नॉन वर्बल जेशच्चर हो गया बॉडी लैंग्वेज सिम्बल्स कंटेक्सट कम्युनिकेशन मीनिंग्स सो दे ऑल बिकम इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर मीन्स एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं या सोसाइटी एज अ लार्ज की बात कर रहे हैं कैपिटलिजम की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम जो माइक्रो सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव में हम क्या फोकस करते हैं माइक्रो लाइक कम्युनिकेशन एंड माइक्रो रेलम्स पे फोकस किया जाता है सो माइक्रो सोशोलॉजी देन फोकस ऑन हाउ मीनिंग इज सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड इट इज़ ट्रांसमिटेड एंड इट इज़ कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर हाउ अ पर्टिकुलर जेस्चर बिहेवियर इन पार्ट्स अफ पर्टिकुलर मीनिंग एक पर्टिकुलर जेस्टर कैसे एक पर्टिकुलर मीनिंग मतलब एक आप इन इन शॉर्ट आप क्या स्टडी कर रहे हैं इसमें कि ह्यूमन uh, इंटरेक्शन uh, की स्टडी कर रहे हैं है, है ना कैसे इंटरेक्शन होगा क्यों होगा क्या कॉन्टेक्सट है बिहाइंड सर्टीन एक्शन कोई एक्शन क्या है, उसके पीछे क्या रीज़न है सो सिम्बोलिक इंटरैक्शनिज्म जो हैज़ इट्स रूट्स इन बिहेवियरल साइकोलॉजी बिहेवियरल साइकोलॉजी जो है, uh, है उसमें इसकी रूट्स है ऑफ़ द लेट नाइनटीन सेंचुरी एंड इट इज़ अ माइक्रो परस्पेक्टिव नाउ वी ओल नो

जो है हाउ दे आर क्रिएटिंग सोसाइटी एंड हाउ देयर बिहेवियर इज़ मेकिंग चेंजेस इन द सोसाइटी सो इट्स लाइक अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स एंड कि कैसे इंडिविजुअल सोसाइटी को इंपैक्ट कर रहे हैं और कैसे इन द एंड सोसाइटी इंपैक्ट हो रही है थ्रू इंडिविजुअल्स सो सिम्बोलिक इंट्रैक्शनिज्म वर्क अप फ्रॉम द बिलो ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ इंडिविजुअल्स मेक सेंस ऑफ द सोसाइटी एंड फाइंड मीनिंग्स इन वट दे डू सो ये सिम्बोलिक इंट्रेक्शनिज्म है Now, George Herbert Mead, jo hai, uh, he is also regarded as the founder of this school and he is the founder of this school plus he an American sociologist, he social a social psychologist bhi the, and then he was a philosopher. As in he was a sociologist, you know, ne sociologist maana, he was a social psychologist and he was born on 27th of Feb, 1863. The date is important plus America is important. Now, he is regarded as the founder of this uh, school of thought. बट ही नेवर कॉइन द टर्म मतलब जो सिम्बोलिक इंट्रेक्शनिज्म जो टर्म है वो उनके स्टूडेंट हर्बर्ट ब्लूमर ने कॉइन किया था इन नाइनटीन थर्टी फोर आफ्टर हिज डेथ इनटीन थर्टी टर्म है वो नाइनटीन थर्टी सेवन में ये थर्टी सेवन में हर्बर्ट ब्लूमर ने कॉइन किया एंड जॉर्ज हर्बर्ट मीट की बात की जाए तो ही टॉट फिलोसफी एंड सोशल साइकोलॉजी देखिए सोशलॉजी नहीं पढ़ाया ही टॉट फिलोसफी एंड सोशल साइकोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन बट अनफॉर्चुनेटली ही नेवर पब्लिश एनी थिंग इन लाइफ टाइम मतलब उन्होंने कोई बुक ही नहीं पब्लिश की अब हम सोचेंगे सेल्फ एंड सोसाइटी बुक है ये किसने पब्लिश की है सो इट वॉज his स्टूडेंट्स अब वो कैसे टीचर रहे होंगे कि उनके स्टूडेंट्स ने इतनी अमेजिंग बुक और इतनी ज्यादा मतलब फुल ऑफ थियोरीज एंड ऑल कैसे पब्लिश की मतलब उनके लेक्चर इतने स्मार्ट थे है ना हिस्स बुक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अलग

ही रेफर टू हिज वर्क एज सोशल बिहेवियरिज़म सो वो अपने वर्क को क्या बोलते हैं सोशल बिहेवियरिज़म क्योंकि वो क्या पढ़ रहे थे कॉन्टेक्स बिहाइंड एक्शंस है ना सोशल इंट्रैक्शन पढ़ रहे थे सेल्फ कैसे एमर्ज होता है एंड इट ही लोकेटेड इट इन द एमरजेंस ऑफ माइंड माइंड कैसे डेवलप होगा सेल्फ कैसे डेवलप होगा इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस सोशल एक्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे ही एक्सप्लोरड हाउ माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी आर कंस्ट्रक्टेड बाई सिम्बल्स जेस्चर्स लैंग्वेज देखिए अब अगर माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी की बात की जाए है ना हम इस स्लाइड पे चलते हैं कि देखिए माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी ठीक है माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड क्या होता है माइंड इज अ ह्यूमन ब्रेन है ना सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न तो ही हैज अ बॉडी सिर्फ बॉडी है प्लस बॉडीली रिफ्लेक्सेस है ही हैज अ माइंड बट प्रॉपर डेवलप नहीं होता है वो माइंड है ना थ्रू इंटरनल इंटरेक्शन देन आफ्टर फ्यू मंथ्स लाइक अभी वो बच्चा है उसके जो सिंपल बॉडिल रिफ्लेक्सेस है लाइक ट्राइंग एंड ऑल वो एग्जिस्ट करते हैं बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंटरनल इंटरेक्शन होंगे दे स्टार्ट एंड ग्रेजुअली माइंड स्टार्ट टू डेवलप है ना बाई सिक्स मंथ्स बच्चे को चीज़ें समझ आने लग जाती हैं है ना तो धीरे धीरे माइंड आपका डेवलप होता है विद इनर कन्वर्जेशन लाइक वो आगे बात करते हैं गेम स्टेज प्ले स्टेज इनर कन्वर्जेशन कैसे स्टार्ट होगा एंड ऑल वो हम बाद में देखेंगे सो माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी जो बुक है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो माइंड है ये जो इन्होंने माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी का जो टाइटल uh, दिया है ये टाइटल इट्स इट्स अ एवोल्यूशनरी टाइटल कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका माइंड आएगा देन माइंड भी कब डेवलप होगा विद इंटरनल इंटरक्शंस इंटरनल कन्वर्जेशन तो वहाँ से माइंड ग्रेजुअली डेवलप होगा इफ यू हैव द माइंड देन वंस माइंड डेवलप सेल्फ कंसेप्शन स्टार्ट एमरजिंग बिकॉज लेटर इन स्टेज जो इंडिविजुअल है वो रियलाइज़ करता है कि हाँ दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं ग्रुप मेरे बारे में क्या सोच रहा है सो ग्रेजुअली सेल्फ आपका सेल्फ कंसेप्शन डेवलप होगा लाइक like, एक छोटा बच्चा है उसको कलर का कोई कुछ पता नहीं अगर उसका कलर थोड़ा डार्क है और उसके आसपास के सब बच्चे थोड़े वाइट है है ना थोड़ा फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो उसको कुछ नहीं पता होगा अनटिल थ्री टू फोर ईयर्स उसको कोई आइडिया नहीं है अपने कलर का बट ग्रेजुअली वेन अदर स्टार्ट नोटिसिंग द डिफरेंस तो उसके माइंड में भी आ जाएगा उसका एक सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप होगा उसके घर वाले वो चीजें नहीं कर रहे हैं बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर कोई दूसरा उसको बोल रहा है पॉइंट आउट कर रहा है वो चीज सो so वो एक तरीके का सेल्फ एमर्ज स्टार्ट हो जाता है डेवलपिंग लाइक like कोई वीक है पतला है और बाकी सब लोग हेल्थी है तो वो चीज़ धीरे धीरे आपको रियलाइज कराते हैं सो हम अपने बारे में क्या सोचते हैं वी डिराइव दिस फ्रॉम सोसाइटी

नाउ इन uh, 1891 मीड स्टार्टेड अगर हम मीड के लाइफ और इंफ्लुएंसिस की बात करें तो 1891 में फर्स्ट ऑफ ऑल ही बॉर्न इन 1863 सिक्सटी थ्री सो ये डेट याद रखे देन 1891 में ही स्टार्टेड टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन वेयर ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जॉन ड्यूई एंड चार्ल्स हॉर्टन कूले कूले ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए सी एच कूले ने uh, एक बहुत कॉन्सेप्ट दिया है uh, माइक्रो सोशलॉजी में वो कॉन्सेप्ट क्या है उसका नाम लिखना है ठीक है तो जॉन ड्यूई एंड चार्ल्स होट एंड कूले के इन्फ्लुंस uh, में आए ड्यूई जो है ही रेफर्ड टू मीड एज अ सेमिनल माइंड ऑफ द वेरी फर्स्ट ऑर्डर सो ये आप याद रख uh, रख सकते हैं कि कोटेशन आ जाए तो इन 1894 मतलब आफ्टर थ्री ईयर्स ही स्टार्टेड टीचिंग फिलासफी अभी भी वो सोशलॉजी नहीं पढ़ा रहे थे फिलोसफी पढ़ा रहे थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एंड ही टोट डेयर अनटिल हीज डेथ मतलब अपनी डेथ तक उन्होंने 1894 से लेकर 1931 तक वहीं पर काम किया नाउ लेट स्टडी मीड्स एसोसिएशन विद द शिकागो स्कूल अब शिकागो स्कूल एज इन कोई स्कूल नहीं है इट्स द डिपार्टमेंट ऑफ सोशलॉजी विच वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई एलबियन स्मॉल इन द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो नॉर्थ अमेरिका सो यही जो स्कूल ये जो डिपार्टमेंट है सोशॉलॉजी का जो कि एटीन नाइनटी टू में इट वॉज द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ सोशलॉजी इन अमेरिका जो कि एल्बियन स्मॉल ने डेवलप किया एंड यहाँ पे मीड वर्क करते हैं एंड ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द शिकागो स्कूल पार्क है डब्ल्यू आई थॉमस है चार्ल्स हॉटन कूले है लुइस वर्थ है एडविंस सतरलैंड है सो इट इज बेसिकली नॉन फॉर इट्स अर्बन सोशालॉजी अब जो शिकागो स्कूल है या जो शिकागो का डिपार्टमेंट ऑफ सोशालोजी है इट इज़ बेसिकली नॉन फॉर इट्स अर्बन सोशालॉजी एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिम्बोलिक इंट्रेक्शन अप्रोच सो यहाँ पर प्राइम फोकस क्या रहा शिकागो स्कूल का अर्बन सोशालॉजी अर्बन सोशल फिनमिनाज बिकॉज शिकागो की बात की जाए तो शिकागो उस समय क्या था एक बहुत ज्यादा डेवलप हो रही थी सिटी तो उसके जो अर्बन प्रॉब्लम्स थे उन सब की बात की गई यहाँ पर उस चीज़ की स्टडी की गई so the first textbook of sociology that is introduction to the science of sociology this was published by robert park and ernest burgess and uh, दे वर रिलेटेड टू शिकागो स्कूल सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आप याद कर सकते हैं द शिकागो स्कूल जो है अगर उसकी बात की जाए तो इट वॉज कमिटेड टू यूज डायरेक्ट फील्ड वर्क एंड रिग्रेस डेटा कलेक्शन विद प्राइम मैथड क्वानिटेटिव मैथड न क्वालिटेटिव मैथड एंड सिस्टमैटिक अप्रोच टू स्टडीड अर्बन इशूज एक सिस्टमैटिक अप्रोच से आप अर्बन इशूज को स्टडी करो रिग्रेस डेटा कलेक्शन करो फील्ड वर्क करो जस्ट लाइक मेलोनास्की ने किया है ना अमंग दिन आईलैंड ने क्या किया

सो दिस वॉज इट नाउ एज शिकागो वॉज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी एट दैट टाइम सो दीज थिंकर्स वर फोकस ऑन वो फोकस क्या कर रहे थे इशूज़ ऑफ लाइक प्रॉब्लम्स ऑफ डिलीकवेंसी क्राइम इमिग्रेशन सो ये प्राइम फोकस थे एंड बेसिकली क्या था स्टडिंग अर्बन फिनोमिना एंड सोशलॉजिकल स्टडी ऑफ द सिटी एंड इसी स्कूल में जो या इसी डिपार्टमेंट में अगर बात की जाए तो जॉर्ज हर्बर्ट मीडिय ने सिम्बोलिक इंट्रैक्शनिज्म का स्टार्टिंग किया और यहीं से ही सिम्बोलिक इंट्रैक्शनिज्म का हम डेवलपमेंट मानते हैं

and bloomer coined the term symbolic interactionism in 1937 bloomerian uh, symbolic interactionism ko hum uh, chicago school of symbolic interactionism bhi bolte hain and jo ye notes hain kuch aage jo maine notes liye hain wo herbert bloomer ki book hai book ka naam main mention kar dungi aage तो उसमें से मैंने लिए हैं क्योंकि अभी इसका ये part वन है अभी हमें Mead के सारे central ideas भी करने हैं like uh, gestures, reflective intelligence की बात कर रहे हैं then Mead बात कर रहे हैं प्ले स्टेज गेम स्टेज की डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ तो वो सब हम आगे करेंगे हरबर्ट ब्लूमर को पढ़ेंगे गॉफमेंट एंड ऑल ये सब हम देखेंगे सो सिम्बोलिक इंट्रेक्शनिज्म की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इट इज़ अ सोशल साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव दैट फोकसज ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन सो एक सोशल एंड साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव है दैट फोकसज ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन द पैटर्न ऑफ सोशल एक्शन एंड सोशल रिलेशनशिप्स सो ये एक डेफिनेशन है द सिम्बोलिक इंट्रेक्शनिज्म थियोरी फोकसज ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फोकस रहता है सिम्बोलिक इंट्रैक्शनिज्म थ्योरी का वेज इन विच ह्यूमन बींग्स अटैच मीनिंग टू सिम्बल्स कि आप किस तरह से ह्यूमन बींग्स एक पर्टिकुलर चीज के साथ कोई ना कोई सिम्बल अटैच कर देता है या किसी भी सिम्बल के साथ कोई ना कोई मीनिंग अटैच कर देता है एंड आर प्रोड्यूसिंग कल्चर

डेवलप एग्रीगेट ऑफ सेल्फ इट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ठीक है देर इज नथिंग लाइक सोलिटरी इंडिविजुअल हमें सबको पता है कि देर इज नथिंग लाइक अटरीविजुअल इंटरेक्टिंग थ्रू इच अदर सो विद इंटरेक्शन विद सोशलाइजेशन ही हमारी सोसाइटी हमारा जो समाज है चलता है दिस an so, कि सेल्फ क्या है सेल्फ इज द एबिलिटी टू पुट वन सेल्फ एज ऑब्जेक्ट कि हाँ दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं ग्रुप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं ना अज्यूम रोल ऑफ अदर्स थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रोल टेकिंग ओके So now let us study the Mead's theory of symbolic interactionism. Now the central question that Mead raises in his work is the relation between individual and society, ki how individual is related to society, how society is related to individual, between structure and agency, structure kya hai, larger social structure, agency is the individual actors and uh, the relation between macro and micro social processes or which comes first. So his argument was that ki mind, self and society are created simultaneously in interaction with one another. And And not in कि वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में ही डेवलप uh, होते हैं क्रिएट होते हैं ऐसा नहीं है कि आइसोलेशन uh, में डेवलप होंगे तो like, uh, uh, so, अगर आपका इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो आपका जो सेल्फ कंसेप्ट है वो भी एमर्ज नहीं हो पाएगा सो सेल्फ एमर्जेस नॉट बाई इट सेल्फ बट थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स एज रिगार्डेड बाई मेड दैट सेल्फ जो है वो एक सोशल प्रोसेस है कि हाउ सेल्फ जो है वो कैसे इंटरेक्शन के थ्रू डेवलप होगा सो सेल्फ बिकम्स अ सोशल प्रोसेस एंड जो माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी का जो बुक था या जो थ्योरी है वो एक एवोल्यूशनरी थ्योरी है लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ बॉडी देन योर माइंड डेवलप्स देन सेल्फ कॉन्सेप्ट स्टार्ट एमरजिंग देन सोसाइटी विच इज एग्रीगेट ऑफ सेल्फ तो इसको हम एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी भी बोल सकते हैं देन ये एक नॉन ड्यूलिस्टिक अप्रोच है नॉन ड्यूलिस्टिक मीन्स बोथ आर लाइक लाइक सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल वो क्या है देर आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन एंड देयर इज नो ड्यूएलिटी ऐसा नहीं है कि ड्यूएलिटी ऑफ स्ट्रक्चर है देर इज नो ड्यूएलिटी बोथ आर इंटर रिलेटेड टू इच अदर सो एक नॉन ड्यूलिस्टिक अप्रोच है therefore he understood social reality in terms of interaction between individuals mediated by symbols for example the behavior of an individual in group can be understood by the behavior of whole group towards that individual like wo individual us group ke prati kaisa behave kar raha hai ye hum kaise samjhenge ki wo whole group उसकी तरफ कैसा behave कर रहा है ना आपका जो एक action के प्रति reaction होता है आप जो interact करेंगे वो किस basis पे करेंगे कि आप क्या समझ रहे हैं कि वो group आपके प्रति किस तरह से रिएक्ट uh, कर रहा है तो सिमिलर वे में आप अपना बिहेवियर behavior... मॉडिफाई करेंगे से फॉर एग्जाम्पल अ फर्स्ट टाइम मदर सो अगर कोई uh, महिला है जो फर्स्ट टाइम माँ बनती है तो शी हैज नो आइडिया ऑफ बट इट्स लाइक टू बी अ मदर बट इवेंचुअली अदर स्टार्ट एड्रेसिंग हर एज अ मदर द आइडिया ऑफ बींग मदर स्टार्ट डेवलपिंग इन हर माइंड बिकॉज पहले उसको कोई आइडिया नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना हर चीज़ उसके लिए नई है बट जैसे जैसे वो देखती है सीखती है लोग उसको बताते हैं सो द आइडिया ऑफ बींग मदर स्टार्ट एमरजिंग इन हर माइंड देरफोर एज मीट मी डेवलप्स और एमरजेज इन इंटरेक्शन या सेल्फ है वो इट इज़ अ सोशल प्रोसेस इट डेवलप्स इन इंटरेक्शन सो दिस ये सब चीज़ें घुमा फिर आकर एक ही चीज़ पे आ जाती है कि जो सेल्फ है इट इज़ अ सोशल प्रोसेस एंड मी जो है आई uh, मी या जो भी वो बात करते हैं सो दे डेवलप इन इंटरेक्शन इन सब के बारे में हम आई एंड मी एंड ईगो सुपर ईगो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट uh, वीडियो uh, में बात करेंगे सो so, um, अगर हर्बर्ट ब्लूमर की बात की जाए तो ही वॉज बॉर्न इन नाइनटीन हंड्रेड एंड नाइनटीन एटी सेवन में ही

है ना जो हमारे माइंड में उस चीज के लिए है लाइक स्टार्टिंग में मैंने एग्जाम्पल दिया था ट्री का सो so, uh, uh, एक बच्चा जो है जो जिसके लिए लवली चाइल्डहुड रहा है पेड़ों के नीचे खेलना वगैरह सो वो ट्री के साथ क्या है बहुत uh, अच्छा सब कुछ अटैच करेगा है ना उसका एक ब्यूटीफुल मीनिंग होगा उसकी लाइफ में बट अगर किसी के मन में फियर है लाइक like पेड़ों से या कुछ भी रिलेटेड उसके साथ ऐसी घटना हुई है पेड़ों के नीचे या कुछ भी सो so वो क्या अटैच uh, करेगा फियर सो ह्यूमन बींग्स एक्ट टूवर्ड्स थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द मीनिंग्स दट द थिंग्स हैव फॉर है आई होप ये लाइन आपको समझ आ गया नो मीनिंग ऑफ सच थिंग इज डिराइव थ्रू सोशल इंटरेक्शन सोशल इंटरेक्शन से मीनिंग डिराइव होगा है ना सोशल इंट्रैक्शन से क्या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मतलब आपके साथ कुछ ऐसा हुआ और आपने किसी को आ, आगे बताया अपने बच्चों को बताया कि ऐसा हो सकता है आपके साथ भी तो वो चीज़ भी लाइक like, अब हम बच्चों को मोस्टली गर्ल्स uh, को बोलते हैं कि आप सोसाइटी uh, से बाहर मत निकलना कोई पकड़ के ले जाएगा इस तरह से तो कुछ हमने ऐसा देखा है जो कि हम आगे डिराइव कर रहे हैं है ना सो इससे नेक्स्ट टाइम जो बच्चा है वो थोड़ा कॉशियस रहेगा बाहर जाने से डरेगा सो मीनिंग ऑफ सच थिंग्स अब उससे पहले उसको कुछ मीनिंग नहीं था वो हो सकता है बाहर चली जाती मज़े करती कुछ भी कर सकते थी ना छोटी बच्ची है कुछ पता नहीं अगर आपकी सोसाइटी हाईवे पे है तो हम हमेशा अपने बच्चों को बोल के रखेंगे कि बाहर मत जाना क्योंकि एज यू ऑल नो सोसाइटी कैसी होती है और आजकल हाईवेज़ अगर आपका घर है तो आपको डर लगेगा है ना सो मीनिंग ऑफ सच थिंग इज डिराइड थ्रू सोशल इंट्रेक्शन लाइक फॉर एग्जाम्पल आई इंट्रेक्टेड टू माई चाइल्ड की डोंट गो आउटसाइड सो वो जो बिहेवियर है सो so, वो कैसे सोशल इंट्रैक्शन से मैंने उसको Uh, एक पर्टिकुलर uh, मीनिंग बता दिया कि आप बाहर नहीं जाओगे बाहर जाओगे वो क्या एसोसिएट करेगी बाहर संभल के जाना है मम्मा को बता के जाना है तो इस तरह से ठीक है मीनिंग ऑफ सच थिंग इज डिराइव फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन दीज मीनिंग्स आर हैंडल्ड इन मॉडिफाइड थ्रू एन इंटरप्रेटिव प्रोसेस यूज बाय द पर्सन इन डीलिंग विद द थिंग्स इन एनकाउंटर सो जो मीनिंग्स है दे आर हैंडल्ड इन और मॉडिफाइड और इंटरप्रेटिव प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं बाहर गई और मेरे को कोई पकड़ के ले गया था बचपन में बट एक मान लो मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि बेटा ध्यान रखना है बच्चों का ये वो तो मैंने अपना ध्यान रखा मैं आगे अपने बच्चों को बताऊंगी मॉडिफाई करके ठीक है तो इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो आप चीज़ों को सो so, ये सिम्बोलिक रेस्ट ऑन दीज थ्री प्रेमाइस अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट ब्लूमर ये जो तीनों आ, जो प्रेमाइस हैं या तीनों जो प्रिंसिपल्स हैं वो किसने दिए हैं हर्बर्ट ब्लूमर ने दिए हैं नाउ थैंक यू दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ उसके uh, अंदर हम बात करेंगे जॉर्ज हर्बर्ट मीड के सेंट्रल आइडियाज़ लाइक ऑर्गेनिक एक्ट एंड ऑल एंड जो उससे पार्ट थ्री आएगा उसमें हम सिम्बोलिक uh, इंट्रैक्शन से रिले uh, से रिलेटेड जो बचे हुए थिंकर्स है लाइक चार्ल्स होर्टन कूले तो आपको कमेंट में बताना है उनकी कौन सी uh, थियोरी थी एंड uh, मैं चलो मैं बता देती हूँ लुकिंग ग्लास सेल्फ थियोरी थी उनकी एंड uh, जो uh, अरविंग ऑफमेन है स्टिग्मा की बात कर रहे हैं सो so, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में एंड प्लीज़ इफ़ यू वाचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो शेयर इट इन द ग्रुप एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच